सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज बीका मारे और आपके यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे को डेली कॉल करते हो, डेली मेरे को एक ही बात बोलते हैं कि सर जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारा क्या बाहर से बनकर आता है। मतलब बहुत सारे स्कूल के क्लास 9th to 11th के टीचर बच्चों को कहते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बाहर से बनकर आ चुका, इसलिए आपका एग्जाम ऑफलाइन हो गए। ऐसा स्कूल्स में कहा जाता है अक्सर। मैं भी जब छोटा था मेरे को भी मेरे टीचर्स यही कहते थे कि मेरा जो क्वेश्चन पेपर वो बाहर से बनकर आता है तो प्रिपरेशन अच्छी करनी पड़ेगी। और ये भी बोलते थे कि जो हम ये क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं ना, ये हम बाहर भेजते हैं। तो मैं गाइज, अब उस टाइम छोटा था, इतनी बातें मेरे को नहीं पता थी, लेकिन आज मैंने कई सारे टीचर से बात करी, मैंने खुद ने देखा। मैं एक साल स्कूल में काम भी कर चुका हूँ, एज सोशल साइंस का टीचर मैं रह चुका हूँ, एक साल ही मैंने काम किया था, तो उस टाइम मैंने भी देखा क्या हो रहा है। तो मैं उसी बिहाफ में आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी क्वेश्चन पेपर बाहर से नहीं बनकर आता, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर स्कूल में ही बनते हैं और स्कूल में ही चेक होते हैं, कोई बाहर नहीं जाता। ना ही क्वेश्चन पेपर बाहर से बनकर आते हैं, ना ही आपकी आंसर शीट बाहर जाती है, सब कुछ स्कूल में ही होता है। वो सिर्फ बच्चों को डराने के लिए ही बोलते हैं, मैंने पूरा कंफर्म कर लिया। कोई भी कितना भी अच्छा स्कूल हो, अगर गाइस क्वेश्चन पेपर बाहर से आएगा, बाहर चेक होने जाएगा, तो गाइस वो बोर्ड एग्जाम है। फिर बोर्ड एग्जाम और 9th क्लास के एग्जाम में क्या फ़र्क रहेगा? तो गाइस, अगर आपको स्कूल वाले ऐसा कह के डरा रहे हैं तो उससे डरो मत। क्लास 9th और 11th का जो क्वेश्चन पेपर है वो स्कूल में ही बनेगा। और दूसरी बात, आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन होने के अभी भी उतने चांस हैं जितने पहले थे। मैं गाइज अभी भी कई सारे स्कूल्स में बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे को थोड़ा गैप मिला तो मैंने सोचा कि बच्चों को एक बार वीडियो बना के थोड़ी टेंशन थी उसको कम कर दूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इसी क्वेश्चन को लेकर कॉल कर रहे हैं। मैंने गाइज अभी बात करी कई सारे स्कूल्स में, स्कूल्स का यही कहना है कि हमें अभी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडेंस नहीं मिली है, गवर्नमेंट की गाइडेंस का हम वेट कर रहे हैं। तो गाइज ऑनलाइन एग्जाम के उतने चांस हैं जितने पहले थे, लेकिन बच्चों दिमाग में अभी टेंशन भर दिया है कई सारे स्कूल्स ने। तो मैं उसका यही आंसर देना चाहूँगा कि आपके स्कूल वाले सिर्फ आपको डराने के लिए बोल रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो स्कूल में ही बनता है, आपके टीचर्स ही बनाते हैं और उसको चेक भी आपके टीचर्स ही करते हैं, तो आपको टेंशन वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ मेरे को उम्मीद है कि सभी को इस तरीके की कोई दूसरा डाउट हो तो मेरे को ज़रूर कॉल करके बताना, फिर कमेंट करके बताना। अगर गाइज़ आपकी मैं कॉल ना उठाऊँ तो गाइज़ मैं आपको वापस कॉल बैक कर दूंगा। एक्चुअली मैं आज सर्वे कर रहा हूँ स्कूल्स के अंदर, पता करूँ कि क्लास 9th और 11th के क्या मूड है, इसलिए मैं कई स्कूल्स कई बच्चों की कॉल्स ना उठा पाऊँ। इसलिए गाइज कोशिश करूँगा कि सभी कॉल उठाऊँ, लेकिन अगर ना उठा पाऊँ तो थोड़े नाराज मत होना। इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी थोड़ी सी मेरे साथ कोऑपरेट करोगे आज। तो गाइज़ मेरे को उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइज़ आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि मैं आपके लिए थोड़ी बहुत भी मेहनत करूँ तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो दोस्तों, वीडियो में इतनी, अपने फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहो।